गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। ये मेरा स्टार फ्रूट का प्लांट है। हमारे इधर हर साल जनवरी में फ्लावर एग्जीबिशन होते हैं। इस साल 2020 में मेरा स्टार फ्रूट्स फर्स्ट आए। हर साल मेरे फ्रूट्स प्लांट कोई ना कोई प्राइज देते ही है मुझे। ये आप लोग देख रहे हैं, इस बार मैं छत पर हूँ। इधर देखिए मेरा गुड़ल या हिबिस्कस का प्लांट है, बहुत फूल भी है अभी। और इसके बाजू में साइड पे देखिए ये मेरा एलामंडा प्लांट है, पीला कलर की फ्लावर है प्लांट। उसके पास पम्पकिन का प्लांट, करेले का प्लांट, ये मेरा सब्जी का प्लांट है सब। और इसके बाजू में देखिए ये वही स्टार फ्रूट का प्लांट है जिसके जो मुझे प्राइस मिला था। और देखिए कितना फ्रूट अभी लगा है, पूरा ऊपर से नीचे, सामने पीछे सब साइड पे। देखिए ये इसका हाइट 5.5 या 6 फीट तक, और इसका एज 5 साल तो हो ही गए। और ये पूरा फुल सनलाइट की इसकी ज़रूरत है, 6 से 8 घंटा पूरा सनलाइट में रहते हैं। और फ्रूट्स देखिए ये पीला कलर, हरा कलर, हरा कलर मतलब कच्चा है, और जो जो पीला हो गई वो मतलब वो सब पक गया। और इसका महक इतना अच्छा है, और देखिए छोटा छोटा फूल भी आ गया है फिर से। फ्रूट्स ख़त्म नहीं हुए, फिर से फूल आ गए। देखिए मैजेंटा कलर और पिंक कलर मिक्स्ड कर इसका फूल। सुबह देखिए इतने सारे स्टार फ्रूट गिरा, और मैं थाली में रख दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और देखिए ये नीचे भी फूल लग गई, मतलब फिर से फूल फ्रूट्स आ जाएगी। साल भर फ्रूट्स देता ही रहता है। ये देखिए ये इतना हार्डी प्लांट है, इसे कभी बीमारी लगे ही नहीं, मैंने कभी बीमारी लगते हुए नहीं देखे। और देखिए ये मेरा ग्राफ्टिंग का पौधा है, 12 मासी ग्राफ्टिंग का पौधा है। और इसका मिट्टी देखिए भुरभुरा तो होना ही चाहिए, हल्का सा। और ये मेरा 18 इंच का पट, बहुत बड़ा गमला, बड़ा फ्रूट्स प्लांट के लिए बड़ा गमला होना ही चाहिए। और वीक में एक बार तो गमला के साइड से थोड़ा गुड़ाई कर देनी चाहिए, जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से मिलना है पौधा को। और इसका मिट्टी देखिए मैं दिखा रही हूँ, भुरभुरा होना है। और हल्का सा छत पर आपका गमला है, इतना बड़ा सा मिट्टी तो हल्का करना ही चाहिए एकदम। देखिए कितना भुरभुरा, हल्का पतला सा होगी। और इसका देखिए इस मिट्टी में मैंने 30% गार्डन सॉइल, 20% बालू, 50% कंपोस्ट, मैं नीम खोली बोन मिल और एक मुट्ठी बोन मिल और नीम खोली मिलाया, उसके साथ एंटी फंगल पाउडर है देखिए, इसको मैंने इसके साथ 1 चम्मच मिलाकर मिट्टी बनाई थी एकदम। और देखिए इतना हार्डी प्लांट है तो इससे तो कोई बीमारी नहीं लगते, लेकिन इसका जब फ्रूट होते हैं तब फ्रूट के ऊपर थोड़ा चीटी जाते हैं, और कुछ नहीं। ये यार में 3-3 बार फ्रूट्स देते हैं एकदम। अभी तो हुए, फिर से अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में बड़ा बड़ा और भी फ्रूट्स आ जाएगी। और देखिए इसका पत्ता कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और ये थोड़ा पानी मांगता है, मतलब मैं सब दिन इसे पानी देती हूँ। और देखिए कितना पीला कलर का, कितना सुंदर फ्रूट्स देखिए। ये वेट में 100 ग्राम्स तो होगी एक एक फ्रूट्स, इतना बड़ा बड़ा सब। और जब इसका पानी कम हो जाते ना, इसका पत्ता झुक जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, नीचे तरफ चले जाते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, नीचे देखिए हरा कलर का इतने सारे फ्रूट्स। इधर पीछे देखिए देखिए सड़ गए, मतलब मैंने देखा नहीं, पीछे से गिर गया सब, ये भी गिर गए। मैंने सारा दिन भर 1-2-3 ऐसा करके गिरते हैं। इसका हम लोग
लोग पहले तो थोड़ा उठाकर लेकर के चटनी भी बना दिए, हम लोग खा भी ले चटनी। आप लोगों को इस फ्रूट्स का चटनी बनाकर मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगी कैसे बनाना है, इसका चटनी बनते हैं कैसे, बहुत अच्छा स्मेल होते हैं। और जो इधर जो पकते हैं ना, स्मेल पूरा साइड साइड से सब भर जाते हैं, छत पर आएंगे तो इसका स्मेल आपको नाक में चला जाएगा। और देखिए एंटी फंगल पाउडर मैं वीक में एक बार देती हूँ, कोई कीड़ा लगे या ना लगे। और नीम ऑयल मैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाकर वीक में एक बार स्प्रे करती हूँ। मैं ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहती हूँ, मुझे ऑर्गेनिक पसंद है। देखिए मैं दिखा रही हूँ करेंट, रोगर प्लस, ये सब पेस्टिसाइड सब आपको दुकान में मार्केट में मिल जाएगा। ये 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप्स देकर उसे स्प्रे करना है वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार बस। लेकिन मैं नीम ऑयल पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं नीम ऑयल ही स्प्रे करती हूँ। देखिए कितना बड़ा बड़ा फ्रूट, देखिए एकदम ऊपर से नीच से ऊपर, देखिए एकदम पूरा, जो भी देखेगा सब इधर आकर छत पर इधर ही अटक जाते हैं देखने के लिए। देखिए सितंबर महीने में मैं इसे खाना दूंगी, तब नया वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। और नवंबर महीने में फिर से बड़ा बड़ा फ्रूट्स आ जाएगी, वो भी मैं दिखाऊंगी। आज यही तक, नमस्ते।